नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, हम क्या वीडियो लेकर आए हैं आप देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास ब्लूटूथ जो कि ख़राब हो चुका है, आप कह सकते हैं। दोस्तों, इसका जो है स्पीकर बेकार हो गया है पूरा। तो हम स्पीकर को डायरेक्ट पूरा इतना वायर सहित बदल देते हैं। तो दोस्तों, इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। दोस्तों, इसमें यहाँ खोलना होगा और क्या क्या करना होगा हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे और सभी का हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। दोस्तों, आपको नाखून की मदद से इस तरह से यहाँ खोल लेना है। दोस्तों, पहली बार आप खोलेंगे तो बहुत हार्ड खुलेगा क्योंकि टाइट कसा रहता है। तो दोस्तों, ये निकल गया मेरा इस तरह से। दोस्तों, इसमें बैटरी लगी हुई है इस तरह से कुछ। तो दोस्तों, ये मेरा ये जो है स्पीकर का वायर है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ये देखो, यहाँ देख सकते हैं 2.ए 2.ई इसमें आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेप लगा हुआ है दोस्तों, टेप को हम इसे इस तरह से खोल देते हैं। तो टेप खोलते हैं हम दोस्तों, देखते रहना आप। ये रहा टेप खुल गया। अब इस तरह से टेप लगा था हम दोस्तों, कहाँ कहाँ टेप लगा है आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वायर को खोलने के लिए इसमें सोल्डरिंग लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बैटरी को निकाल लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना आए शॉर्ट वगैरह हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम बैटरी को निकाल रहे हैं, बैटरी निकाल देते हैं तब बताते हैं। ये मेरा बैटरी का कनेक्शन हट गया है प्लस वाला, आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। अब ये जो है इसका वायर डिस्कनेक्ट करते हैं। ये रहा मेरा ब्लूटूथ का हेडफोन का डिस्कनेक्ट हो गया, प्लस वाला नीला में, हरा वाला आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से। दोस्तों, अब हम इसे खींच लेंगे इस तरह से, कुछ हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, ये इस तरह से करके खींच लेना है। दोस्तों, सब पूरा नहीं आ रहा है तो हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे। लगता है चिपका हुआ है तो इसे हम खींचेंगे। दोस्तों, इस साइड से खींचते हैं, ये देखो निकल गया। अब इसको खींच लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये निकल गया है इस तरह से। अब इसको हम साइड देते हैं, ये बेकार है। अब जो अच्छा है अच्छा वाला लगाएंगे। ये मेरे पास एक पुरान है, मस्त है लेकिन पुरान है। तो दोस्तों, हम इसी को अंदर लगाएंगे इसके। तो दोस्तों, अब इसे हम यहाँ से इस तरह कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब इसके अंदर इस तरह से कुछ लगा देते हैं और यहाँ तक ले जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर लगाने के बाद हमें अब क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर इस तरह से कुछ धकेल लेना है इस तरह से। ये उधर उस पार चला जाएगा, यहाँ पर देखते रहना। ये देखो दोस्तों, ये चला आया है और ढकेल देते। दोस्तों, ये यहाँ पर चला आया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखो, हमने ये निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब हम इस को अंदर कर दिए हैं। अब इसके अंदर इस तरह से
छील लेते हैं। पहले इस वायर को इसी तरह से छील लेना है जिस तरह से दूसरा वायर पहले छीला हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हार्ड चिपका था, तो हम इसे इस सोल्डिंग की मदद से छुड़ा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने प्लस और माइनस आप देख सकते हैं इस तरह से छुड़ा दिया है। अब दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले इसे दोस्तों ये इसमें सबसे पहले हमें इसको माचिस की मदद से इसे जलाना है। ये माचिस नहीं, ये देखिए दोस्तों माचिस से जलाना है। दोस्तों इसमें हम पहले जला देते हैं। दोस्तों नीचे कागज है, इसके लिए हम ऊपर से जला दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये ऊपर एक दोस्तों ये ऊपर का परत जल गया है। दोस्तों उसमें पन्नी सी लेप लगी होती है, वही जलाना था मुझे तो वही जल गया। अब हम इसको कट कर देते हैं जो बड़ा लेग है। ये देखिए दोस्तों हमने इस तरह से इसे कट कर दिया है। अब इसको हम सोल्डिंग करेंगे यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें हम गांठ लगा देते हैं क्योंकि वो चिपका था फेविक्विक की मदद से, तो हमारे पास अभी फेविक्विक नहीं है दोस्तों, हम बाद में लेते आएंगे तो लगा देंगे, तो भी सेफ्टी बचाना है दोस्तों। या आपके पास फेविक्विक तुरंत ना हो तो इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। अब हम इसको खींचेंगे कितना भी ये अंदर नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो लाल वाला है हम लाल वाले को हरा वाले देंगे। इसमें दोस्तों पीकर का कोई भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये बैटरी का क्यों आगे आ जा रहा है दोस्तों? इस वायर को जो है पीकर के वायर को सोल्डिंग कर देते हैं पहले। इसमें अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है दोस्तों ताकि ये चिपक जाए दूसरे वायर में। हमने सोल्डिंग अच्छी तरह से कर दिया है, अब हम इसमें जोड़ेंगे प्लस। दोस्तों आपको इस तरह से इसमें लपेट देना है कुछ इस तरह से। और दोस्तों वायर तो जोड़ना है जिस तरह से वायर था उसी तरह जोड़ देना है। अगर दोस्तों गलत हो जाए इसमें कोई घबराने की बात नहीं दोस्तों, ये चलता है उल्टा भी सीधा भी। पीकर का वायर है ना दोस्तों, तो उल्टा सीधा दोनों चलता है। दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा वायर जो है स्पीकर का दूसरा वायर कहाँ गया, ये रहा स्पीकर का दूसरा वायर, ये रहा। इसको हम लपेट देते हैं ताकि चिपक जाएगा अच्छी तरह से सोल्डिंग करते वक्त। तो दोस्तों आप देखते रहना दोस्तों इस तरह से चिपका दे रहे हैं, काफी अच्छे से चिपक जा रहा है दोस्तों। ये देखिए ये देखिए, अच्छी तरह से चिपक जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चिपक गया है, इस वायर को अब हम जोड़ देंगे। दोस्तों जो बैटरी वाली वायर है हम इसको अब जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ जैसे था हम वैसे जोड़ देंगे।
दोस्तों बैटरी की वायर जुड़ गई है। अब हम इस बैटरी की वायर को जोड़ने के बाद इसको टेप मार देते हैं, जिस तरह से टेप लगा था दोस्तों उसी तरह फिर टेप मार देते हैं। दोस्तों इस पर इस तरह सा टेप लगा था तो हम इसी तरह टेप मार दिए हैं। अब इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा दिए। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट पूरा खाली पड़ा है। दोस्तों इस पर कागज़ लगा दे रहे हैं ताकि शॉर्ट वगैरह ना हो अगर टूटने से। दोस्तों अब ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे इसके अंदर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो दोस्तों ये मेरा बन गया है, अब इसको हम आपको सुनाते हैं। चालू करें, दोस्तों कुछ सुनाई दिया होगा। हमने अभी माइक के पास ले गया था तो कुछ हल्का ही सुनाई दिया होगा क्योंकि अभी हम भी नहीं सुने हैं, तो हम सुन लेते हैं एक बार तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा आवाज़ दिया, अब इस तरह से हम बना सकते हैं। और दोस्तों हम दूसरा वायर भी इसी तरह से निकालेंगे और लगाएंगे। तो दोस्तों आप दूसरे वायर को किस तरह से लगाएंगे आप देखते रहना। सबसे पहले उसी तरह से इसको खोलेंगे। दोस्तों आप भी इस तरह से खोल सकते हैं, आप नाखून की मदद ले सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। दोस्तों कितना अच्छा मशीन लगा हुआ है, यही अच्छा मशीन सब में लगा होता है, बस आज ही बदलती है बस। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये मेरा कहाँ का वायर आया है, यहाँ पर है। ये दो वायर है जो किनारे वाला यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम इसको लाएंगे, ये रहा दोस्तों। अब चाहे हम इस तरह से यहीं जोड़ सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने इसमें लगाया वायर वैसे आपको इसके अंदर लगा देना है और गांठ देना है। और यहाँ पर जो है ये देखिए दोस्तों, ये रहा, यहाँ पर दो वायर इस तरह से लगा हुआ है। तो आप इस तरह से दोनों सोल्डिंग करके इसको बंद करके आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा उस तरह से बन जाएगा। दोस्तों आपको समय बहुत कम है इसलिए हम ज़्यादा नहीं इसका दूसरा वायर नहीं कनेक्शन बता रहे हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर इस तरह से भी दूसरा भी देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें, तो हम दूसरा भी दिखा दे रहे हैं दोस्तों ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम इसे खोल निकाल देंगे, इस वायर को निकाल देंगे इस तरह से। दोस्तों वायर निकालते वक्त ध्यान रहे टूट ना जाए इसके अंदर, बस इसके अंदर से निकालना है दोस्तों, बाहर से नहीं। ये पकड़ना है दोस्तों। दोस्तों आजकल सब हेडफोन ईयरफोन इस तरह से खरीदते हैं तो दोस्तों बिगड़ता है तो हम उसको रिपेयर करके बताते हैं किस तरह से बनता है, रिपेयर कैसे होता है। तो दोस्तों ये मेरा वायर भी इसके अंदर इस तरह से चला आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से हम वीडियो अनेक लाते रहते हैं रिपेयर की। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि हम नए नए वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों इसका अभी रबड़ था तो कहीं गिर गया लगता है यहीं पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस गांठ को खोल देते हैं, इसमें गांठ बंधा था दोस्तों दूसरे पीकर का है ना, तो दोस्तों हम दूसरे ही पीकर का इसमें लगा दे रहे हैं, कोई अलग से नहीं आना है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम कट कर देखते हैं, हल्का मुड़ गया है, ये रहा कट करके अच्छी तरह से। तो
तो दोस्तों अब हम इस तरह से इसको पहले अंदर लाएंगे यहाँ पर, नहीं दोस्तों ये चला जाता भी। यहाँ पर इस तरह से लाएं और यहाँ पर इस तरह से अंदर को ढकेल लेंगे। ये रहा दोस्तों मेरा इस तरह से यहाँ आ गया। अब इसको खींच लेंगे और यहाँ पर अब इसके अंदर लगाएंगे। चला जा चला जा, चला गया तो दोस्तों जा रहा है जा रहा है, ये चला गया दोस्तों। यहाँ पहुँच गया है प्रॉपरली आप कह सकते हैं। ये रहा दोस्तों, ये निकल गया। अब इसको हम उसी तरह से ठीक उसी तरह से इसको भी यहाँ से कट करेंगे। ये इसमें वायर टूट गया क्या, वायर टूट गया। तो हम दोस्तों इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। ये रहा तो दोस्तों कुछ बड़ा वायर है तो हम इसके कट कर देंगे। ये कट हो गया। अब दोस्तों माचिस की मदद से इसे ऊपरी वाली परत को जला देंगे ताकि ये सोल्डिंग चिपक जाए दोस्तों। ये रहा, ध्यान रहे दोस्तों आपको बहुत ध्यान से करना है नहीं तो आप जल सकते हैं। अब दोस्तों इसका भी सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने सभी वायर को जोड़ दिया है इस तरह से। आपका समय न जाए, इस तरह से हम सभी वायर को जोड़ दिए हैं। अब बैटरी के वायर को जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम बैटरी का वायर इस तरह से यहाँ सोल्ड कर दे रहे हैं। ये बैटरी का वायर जुड़ गया है, अब ये मेरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब इसको हम खींच लेते हैं यहाँ पे। ये रहा दोस्तों मेरा बन के तैयार हुआ। अब हम इसको चला सकते हैं जिस तरह से मर्जी हो। इसको और खींच लेते हैं। अब इसको हम पलट के इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद बना है ये, आम बात नहीं दोस्तों ज़्यादा, लेकिन आप बना सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। ये मेरा कंप्लीट हुआ, अब हम इसको इस तरह से ऊपर लगा देंगे इस तरह से। दोस्तों अब हम इसे आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। दोस्तों आपको कुछ सुनाई दिया होगा। तो दोस्तों ये मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।